हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्लेसिफाई। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की दो सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बोइंग और एयरबस का कंपैरिजन करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह दोनों ही ऐसी कंपनीज हैं जो एयरप्लेन्स के साथ स्पेस फ्लाइट, आर्म एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी पे भी काम करते हैं। बोइंग कंपनी 1916 में विलियम बोइंग द्वारा शुरू हुई थी, जो कि एक लकड़ी के व्यापारी थे। शुरुआती दिनों में बोइंग कंपनी का नाम एरो प्रोडक्ट्स कंपनी था, लेकिन एक साल बाद इस कंपनी का नाम बोइंग रखा गया। बोइंग कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका के शिकागो सिटी में स्थित है। वही दूसरी तरफ एयरबस कंपनी बोइंग कंपनी के 54 साल बाद 1970 में शुरू हुई थी। यह कंपनी यूरोप के 4 देश फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर बोइंग कंपनी को कंपटीशन देने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने इतनी अच्छी ग्रोथ की है कि इस कंपनी को बोइंग से ज्यादा एयरक्राफ्ट बनाने के ऑर्डर मिल रहे हैं। एयरबस कंपनी का हेडक्वार्टर नीदरलैंड के लंदन सिटी में स्थित है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों कंपनीज के टॉप प्रोडक्ट से लेके नेट इनकम जैसे फैक्टर्स के आधार पर इन दोनों कंपनीज में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो हमारा यह वीडियो पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, अगर फर्स्ट फ्लाइट की बात करें तो शुरुआती दिनों में बोइंग कंपनी यूएस नेवी के लिए फ्लाइंग बोट्स बनाने का काम करती थी। उसके बाद 1920 में यह कंपनी एयर मेल सर्विस का काम कर रही थी। वही एयरबस कंपनी के A300 एयरक्राफ्ट ने एयर फ्रांस कंपनी के जरिए 23 मई 1974 को पेरिस से लंदन के लिए अपनी पहली उड़ान भरी थी। एयरबस की इस पहली उड़ान के बाद उनको काफी अच्छे ऑर्डर मिल रहे थे और दुनिया की फेमस एयरलाइंस जैसे कि एयर फ्रांस, लुफ्तांजा, कोरियन एयर और इंडियन एयरलाइंस ने एयरबस के एयरप्लेन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया था। नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करें तो 2018 इन दोनों ही कंपनीज के लिए काफी अच्छा साल रहा। एयरबस कंपनी ने ऑल ओवर द वर्ल्ड कुल मिला के 800 कमर्शियल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी की। वही बोइंग कंपनी ने ऑल ओवर द वर्ल्ड 806 कमर्शियल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी की। एक सर्वे के अनुसार 2007 से 2016 तक एयरबस कंपनी को 9,985 एयरप्लेन्स बनाने के ऑर्डर मिले हैं, जिसमें से 5,674 एयरप्लेन्स का ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। वही उसी टाइम फ्रेम में बोइंग कंपनी को 8,971 एयरप्लेन्स बनाने के ऑर्डर मिले, जिसमें से 5,718 एयरप्लेन्स के ऑर्डर अभी तक बोइंग कंपनी ने कंप्लीट किए हैं। बोइंग कंपनी का बोइंग 737 और एयरबस कंपनी का एयरबस A320 काफी सक्सेसफुल और काफी ज्यादा बिकने वाला एयरप्लेन है। दोस्तों, अगर इन दोनों कंपनीज के टॉप प्रोडक्ट्स की बात करें तो यह दोनों ही कंपनियां बहुत सारे टाइप्स के एयरक्राफ्ट बनाती है, जिसमें से बोइंग के टॉप 5 बेस्ट एयरप्लेन्स में बोइंग 777, बोइंग 747, बोइंग 737, बोइंग 757 और बोइंग 787 शामिल है। वही एयरबस के टॉप 5 बेस्ट एयरप्लेन्स में एयरबस A380, एयरबस A320, एयरबस 350, एयरबस 330 और एयरबस 321 शामिल है। अगर पिछले साल 2018 के नेट इनकम की बात करें तो बोइंग कंपनी ने ओवरऑल $10.5 बिलियन की कमाई की थी। वही एयरबस कंपनी ने पिछले साल 2018 में $3.6 बिलियन की कमाई की थी। हालांकि एयरबस कंपनी का नेट इनकम बोइंग के मुकाबले काफी कम है, लेकिन एयरबस कंपनी का ग्रोथ रेट बोइंग कंपनी के मुकाबले काफी अच्छा रहा है। अगर सबसे बड़े एयरप्लेन की बात करें तो बोइंग का बोइंग 747 सबसे बड़ा एयरप्लेन है, जिसके इकोनॉमी क्लास में 660 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं। वही एयरबस का एयरबस 380 सबसे बड़ा एयरप्लेन है, जिसके इकोनॉमी क्लास में 868 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर टॉप 100 कंपनीज की रैंकिंग की बात करें तो आज 2019 में फोर्स मैगजीन के मुताबिक बोइंग कंपनी 49th नंबर पर है। वही एयरबस कंपनी 96th नंबर पर है।
अगर आपको दुनिया के 100 कंपनीज की लिस्ट देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक दे रखी है, वहां से आप देख सकते हो। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें तो आज 2019 में बोइंग कंपनी में 1,53,027 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वही एयरबस कंपनी के लिए 1,33,671 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आखिर में हम आपको इन दोनों ही कंपनीज के एयरप्लेन्स के कुछ डिफरेंसेस आपको बता देते हैं। बोइंग कंपनी जो एयरप्लेन्स बनाती है उनके आगे वाले हिस्से का शेप शार्प और पॉइंटेड रहता है, वही एयरबस कंपनी के एयरप्लेन्स का नोज शेप राउंडेड रहता है। आपको बता दें, बोइंग के एयरप्लेन्स कंट्रोल कॉलम या योक के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, वही एयरबस के एयरप्लेन्स में कंट्रोल स्टिक लगी रहती है। यह एक जॉयस्टिक की तरह होती है जो कैप्टन के लेफ्ट साइड में रहती है। एयरबस कंपनी के एयरप्लेन्स के सारे कंट्रोल कंप्यूटर के पास रहते हैं और कंप्यूटर पायलट को बताता है कि आगे आपको क्या करना होगा और कैसे करना होगा। वही बोइंग कंपनी जो एयरप्लेन्स बनाती है वो फुल्ली मैनुअल होते हैं, यानी कि एयरप्लेन्स के सारे कंट्रोल कॉकपिट में बैठे दो पायलट्स के पास रहते हैं। लेकिन बोइंग कंपनी जो अभी नए एयरप्लेन्स बना रही है वो एयरबस की तरह ही फुल्ली ऑटोमेशन मोड पे काम करते हैं, और इसी साल में बोइंग के दो एयरप्लेन्स बोइंग 737 मैक्स इसी ऑटोमेशन की वजह से क्रैश हो गए थे, जिसमें 340 लोगों की जान गई थी, जिसके चलते अभी बोइंग 737 मैक्स मॉडल के सारे प्लेन्स अंडर मेंटेनेंस रखे गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि बोइंग कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।